Sutra number 1.23 Īśvarapraṇidhānādvā. First chapter जो है ये higher level yogis के लिए है और उन लोगों को अपना चित्त वृत्ति निरोध मतलब modification of mind जो है mind इधर उधर जाता है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग क्या करो ईश्वर प्रणिधानत्व करो. ईश्वर प्रणिधानत्व मतलब ईश्वर एक कॉन्सेप्ट है जिसे आगे पतंजलि विस्तार में उसको बताएंगे कि ईश्वर क्या है. मतलब ये नॉर्मली हम लोग जो गॉड का कॉन्सेप्ट समझते हैं वो ईश्वर नहीं है. हायर लेवल जो है अपने से जो हायर लेवल है उसको ईश्वर कॉन्सेप्ट कहा गया है. तो ईश्वर प्रणिधानत्व मतलब उस ईश्वर के पास सारा जो काम है और काम का जो फल है उसे हमें सरेंडर करना है. तो इस कॉन्सेप्ट में सरेंडर का भाव जो है वो एकदम ज़्यादा स्ट्रांग है. अभी सरेंडर जो है भक्ति का भाव है और भक्ति का भाव सब में नहीं आता है. अगर हमारे में सत्व प्रदान है हम लोग तो फिर ही हमें भक्ति का कॉन्सेप्ट जो है वो हम में रहेगा. अगर हम में रजस ज़्यादा है और हमें काम करने मतलब कंटिन्यूस हमारा माइंड काम कर रहा है या बॉडी काम कर रही है तो फिर हम में भक्ति का कॉन्सेप्ट ये जो है वो कम आएगा ऐसा पतंजलि कहते हैं. क्योंकि जो राजसिक माइंड है वो ज्ञान के पीछे रहेगा उसमें लॉजिक रहेगा. वो क्वेश्चन 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 का आंसर जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसके पास क्वेश्चन का भंडार रहेगा. जब उसके क्वेश्चन का भंडार ख़त्म होगा उसी टाइम पे वो सरेंडर हो सकता है. तो सब ये ऐसा नहीं समझ सकते कि ये तो ईजी है. सरेंडर का भाव जो है वो ईजी है. ये हम सोचने में हमें ऐसा लगता है कि ईजी है लेकिन करने के टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट है. तो जो सात्विक प्रधान है जो सत्व जिसमें ज़्यादा है कंपेयर टू रजस और तमस वही सिर्फ ईश्वर प्रणिधानत्व कर सकते हैं. और जो रजस प्रधान है तो उनके लिए जो है पतंजलि ने सेकंड चैप्टर में क्रिया योग का कॉन्सेप्ट बताया है. जो तमस प्रधान है जिसमें तमस है तमस मतलब जो आलस्य है जिसमें मन में डलने से या बॉडी में डलने से उसे पतंजलि कहते हैं कि पहले जो है आप उसको रजस प्रदान तो करो उठो तो सही उसके बाद सत्व प्रदान हम लोग कर सकते हैं. तो ये प्रोग्रेशन बताया है कि तमस से रजस रजस से फिर भक्ति का भाव. जो ज्ञान योगी है उसे भी फाइनली जो है सरेंडर तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसे भी करना ही पड़ता है. तो ईश्वर प्रणिधानत्व मतलब अपना काम करते रहना. काम करते वक्त काम का श्रेय भी हमें खुद लेना नहीं है और जो हमें काम का फल मिलता है उसका श्रेय भी हमें लेना नहीं है. हम किसी और को श्रेय दे के हमारा काम करते हैं. अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हम लोग ये क्यों कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति सिंगल नॉस्ट्रल डबल नॉस्ट्रल से सिंगल नॉस्ट्रल टफ है. एक ही नाक से जब हम लोग कपालभाति करते हैं तो अगर हमें टीचर ने कहा कि 30 करो तो हम 25 पे थक जाते हैं. लेकिन अगर हम लोगों ने इसको सरेंडर किया इस कपालभाति को अगर हम बोलेंगे कि हमारे फैमिली में रिलेटिव में या फिर हमारे फ्रेंड्स में कोई किसका हेल्थ खराब है तो फिर हम लोग ये हमारा जो कपालभाति है या फिर हमारा जो आज का सूर्य नमस्कार है हम उसे डेडिकेट करते हैं. तो हम लोग अगर 10 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उस दिन हम लोग 24 मार सकते हैं. क्योंकि आज का जो हमारा ये सूर्य नमस्कार है हम किसी और के हेल्थ के लिए जब डेडिकेट करते हैं तो हमें उसका फल की चिंता न होते हुए हम उस हमारे माइंड में वो पर्सन जब रहता है तब हम ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सकते हैं. तो फल की चिंता जो है वो एक प्रकार की चिंता है जो हमें नीचे खींचती है. तो ईश्वर प्रणिधानत्व सरेंडर जो है वो हम हमारे लाइफ में जब यूज़ करते हैं तो फल तो एक्चुअली अच्छा ही होता है. लेकिन जब हम फल की चिंता नहीं करते तो एक प्रकार का वैराग्य हम में डेवलप होता है. तो हमने पहले सूत्र जो पढ़ा था अभ्यास और वैराग्य इसका ये अच्छा सा उदाहरण जो है वो ईश्वर प्रणिधानत्व है. कल हम देखेंगे कि ईश्वर जो कॉन्सेप्ट पतंजलि ने कहा है वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है उसका लक्षण क्या है मतलब उसका डेफिनेशन जो है वो कल के सूत्र में हम देखेंगे.